नमस्ते सोल फैमिली, वेलकम टू डे 12 ऑफ ग्रेगरी ग्रैबोवॉय कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेस, एकाग्रता अभ्यास। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल जर्नी। और कल 11वें दिन हमने एनिमल किंगडम के साथ जो अपने लेसन्स हैं स्पिरिचुअल जर्नी के, उसको हमने इंटीग्रेट करके देखा कि हमारे लिए क्या मैसेजेस यूनिवर्स दे रहा है। आइए आज 12वें दिन में जो रोमांचक अभ्यास लेकर आए हैं लेखक हमारे लिए, उसकी एक बात करते हैं। तो आज के तीन अभ्यास बहुत पावरफुल। सबसे पहली विजुअलाइजेशन टेक्निक, जिसका नाम है यूनिफाइड हीलिंग। इतना इम्पोर्टेंट टूल है, आज अगर आप इसको समझें विस्तार से तो यूनिफाइड हीलिंग टेक्निक से आप मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब है, समझिए, यूनिफाइड मतलब संपूर्ण, ठीक है? और ये बहुत ग्रेसफुल, नेचुरल, ईज वाला स्टेट है किसी भी व्यक्ति का, या पेड़ पौधे का, या किसी भी जानवर का। बट हम देखते हैं कि अक्सर जो इंसान है वो ईज की बजाय डिस ईज में जीता है। तो ईज से डिस ईज क्यों हुआ? क्योंकि जो इंसान है वो अपनी यूनिफाइड संपूर्णता से वो अलग हो गया, राइट? मतलब वो अपनी संपूर्णता की जो चेतना है, यूनिफाइड की जो चेतना है, उससे वो कहीं से सेपरेशन फील करने लगा। इसके लिए वो ईज से डिसीज में हो गया, राइट? तो आप उस प्रोसेस में आप इस टूल को यूज कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। इसमें पहला एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, पहला स्टेप आप एक समझिए, आप अपनी फिजिकल बॉडी को कहीं पे भी, आपको अगर कुछ भी डिस ईज महसूस होता है, हल्का सा भी, जैसे समझिए अगर किसी को कोई स्टोन्स का इश्यू है, या हार्ट में पेन होता है, या किसी को एसिडिटी का इश्यू है, कुछ भी इश्यू, इसका मतलब कि हमारा जो फिजिकल वेसल है वो अपनी संपूर्ण यूनिफिकेशन से अलग होकर सेपरेशन में आ गया है, और वो अपना यूनिफाइड जो संपूर्णता का की चेतना से वो अलग हो गया है। पहले उस बॉडी पार्ट को आप कनेक्ट करें, अपने किसी भी बॉडी पार्ट को। जरूरी नहीं है कि डिजीज सबको डिस ईज हो, बट हाँ, आप जनरली भी अपने हर सेल्स की वेलनेस के लिए ये रिजुविनेशन टूल यूज कर सकते हैं। तो पहले चूज करें अपना कोई ऐसा बॉडी पार्ट, या महसूस करें अपनी बॉडी की एनर्जी को, कहीं के पे आपको क्या ब्लॉकेजेस फील हो रही हैं, क्या आप अपनी बॉडी की आवाज सुन पा रहे हैं? कनेक्ट हों अपने इंटेस्टाइन से, लिवर से, किडनीज, लंग्स, थ्रोट, पैनक्रियास, नीज, कहीं पे भी अगर आपको डिस ईज का चिन्ह दिखाई दे रहा है, उस एरिया पे आप फोकस करें। दूसरे स्टेप में लेखक कहते हैं कि आप अपनी चेतना को एकाग्र करके उस
उसकी ऊर्जा उस दिशा में लगाएं कि ये जो दिस इज वाला पार्ट है, समझ लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, किसी के घुटने में दर्द है, ये जो डिस ईज वाला पार्ट है इसको हम किस तरह से रीजेनरेट कर सकते हैं या रिस्टोर कर सकते हैं उस रीयूनिफिकेशन पे, वापस अपने वो संपूर्ण चेतना में चला जाए, उस पे कॉन्सेंट्रेट करें। और अपना ध्यान क्रिएशन और रिक्रिएशन के साइकिल को देखें कि क्रिएशन जो था वो संपूर्ण पूर्णता से, परफेक्शन से क्रिएट हुआ था। कभी भी जो क्रिएशन है, आत्मा में कोई डिस ईज नहीं है। हमारे फिजिकल लेवल पे डिस ईज दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, बट हम ओरिजिनल ब्लूप्रिंट के साथ उसको कनेक्ट करेंगे कि इस घुटने में जो डिस ईज उत्पन्न हुआ है उसको हम कैसे रिक्रिएट कर दें, कैसे मैं अपनी ऊर्जा को टैप इन करूं कि मैं वो क्रिएटर ने जिस तरह से इस घुटने को बनाया था क्या उस चीज को फील कर सकती हूँ। अपनी हर एक सेल से, टिश्यूज से, बोन से, मसल से आप बात करें। और अपनी चेतना में उनको कंप्लीट यूनिफाइड वेलनेस के ब्लूप्रिंट में एक्टिवेट होता हुआ देखें। लेखक कहते हैं, इस प्रिंसिपल या इस टूल के साथ अपनी एनर्जीज को बैलेंस में रखते हुए आप क्रिएटर चेतना से जब आप उस बॉडी पार्ट या सेल या टिश्यू को देखेंगे तो उसको संपूर्ण यूनिफाइड एनर्जी से आप भर दें। और आप देखें कि क्रिएटर कितना पावरफुल है कि जिस ऑर्गन या जिस बॉडी पार्ट को रीस्टोर करना है, क्रिएटर अपनी संपूर्णता की चेतना से उसको वापस हीलिंग प्रोवाइड कर सकता है। अगर आपको इस तरह से गाइडेंस आ रही है कि आप जहाँ पे ब्लॉकेजेस फील करें वहां पे यू कैन ऑल्सो डू अ जेंटल स्लाइट टच ऑफ द हैंड और जेंटली रब योर हैंड टू प्रमोट द यूनिफाइड वेलनेस। जो ब्लॉकेजेस हैं उसमें क्रिएटर की ऊर्जा को निर्देशित कर दीजिए एंड फील कीजिए कि आपका वो बॉडी पार्ट या सेल या मसल्स टिश्यूज रीजेनरेट हो चुके हैं। एंड फील कंप्लीशन, जैसे ही आपको ये प्रोसेस कंप्लीट फील हो, पे ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता के भाव से यूनिवर्स को थैंक्स करें, अपनी चेतना को, लेखक की चेतना को, गुरु की चेतना को, और ये हीलिंग एनर्जीज पूरे ब्रह्मांडीय ऊर्जा में आप इसका प्रकाश फैला दें कि जो जिस भी आत्मा को इस हीलिंग एनर्जी की जरूरत होगी वो इस फ्रीक्वेंसी को एक्सेस कर पाएगा।
आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू अपनी क्रिएटर ऊर्जा को इस्तेमाल करते हैं। सच अ पावरफुल टूल। आई फील कंप्लीट। एंड चलिए नंबर टू, कॉस्मिक एनर्जीज, 12वें दिन की, उसको धारण करते हैं अपने एनर्जी फील्ड में। 7 अंकों का नंबर, 1854321, 1854321। डीप ब्रेथ। कुछ सीकर्स की क्वेरी थी कि हमें नंबर सीक्वेंस याद नहीं रहता। कोई बात नहीं, याद नहीं रहता तो मन की आंखों में आप देख सकते हैं, नहीं तो उसकी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं या पेपर पे लिख सकते हैं। 9 अंकों का नंबर, 12वें दिन, कॉस्मिक ऊर्जा का सीक्वेंस, 4853 2 1 4 8 9। तीन तीन करके इस सीक्वेंस को याद करें। 4853 2 1 4 8 9। इस कॉस्मिक हीलिंग एनर्जी के प्रकाश को क्राउन चक्रा पे महसूस करें। गहरी सांस लेते हुए और कृतज्ञता के भाव से आगे बढ़ते हैं। चेतना के नए बीज, नंबर 3, न्यू सीड्स ऑफ कॉन्शियसनेस। बहुत प्यारी चीज, लेखक कहते हैं आप महसूस करें आज, क्योंकि आपने यूनिफाइड हीलिंग किया है पहले टूल में, तो आप देखें कि आपकी इटर्नल यूनिटी है, बॉन्डिंग है विद द क्रिएटर। क्रिएटर ने आपको कभी भी अपनी चेतना से अलग नहीं किया है। आप क्रिएटर के स्वरूप में ही अपना जो रोल है इस बॉडी माइंड में, वो उस चीज को परफॉर्म करें। और आप अपने खुद के एक्शंस पे, लेखक कहते हैं आज क्रिएटर्स अपने खुद के एक्शन का मनन करो, कि आपके एक्शंस अगर हार्मनी में है, क्या आप क्रिएटर चेतना से एक्शन ले रहे हैं, हार्मनी में उस एक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्योंकि आप ही एक संपूर्ण जगत के, अपने जगत के क्रिएटर हो। और आपकी खुद की जो ये स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की जर्नी है, रिकॉग्नाइज कीजिए उसमें मोमेंट बाय मोमेंट आपके द्वारा जो भी क्रिएट हो रहा है वो कितना संपूर्ण है, वो कितना दिव्य है। क्रिएटर कैसे क्रिएट करेगा माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स? क्रिएटर एकता की ऊर्जा को क्रिएट करेगा। क्रिएटर दिव्यता की ऊर्जा को क्रिएट करेगा। क्रिएटर इन अनंतता की ऊर्जा से क्रिएट करेगा। और क्रिएटर का हर एक्शन संपूर्णता से भरा होगा।
लेखक कहते हैं, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए एक कल्टीवेट करें एक बहुत गहरा संबंध, बहुत गहरी एकता आपके जगत में और आपके क्रिएटर होने की चेतना में। जितना भी धीरे धीरे छोटे छोटे कदम आप क्रिएटर की चेतना में रखते जाएंगे, लेखक कहते हैं कि आप उतना ही अनंतता को और हार्मनी को, सद्भावना को महसूस कर पाएंगे। तो आइए हमारे आज के तीन अभ्यास, यूनिफाइड सेल्फ हीलिंग। ये हीलिंग टेक्निक आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बहुत नेचुरल क्वेश्चन हो सकता है, क्या मैं किसी और के लिए ये हीलिंग टेक्निक यूज कर सकती हूँ? इसका जवाब है यस, क्योंकि वो आपके जगत में किस तरह से आप उनसे उस इंसान को देखते हैं, अपने मित्र को देखते हैं, अपने परिवारजनों को देखते हैं, तो आप अपनी जो चेतना है, जो आपके जगत की चेतना है, उसमें आप देखें कि वो कम्प्लीटली हील हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आंसर कर दिया। कॉस्मिक एनर्जीज की ऊर्जा को हमने धारण किया और लेखक ने जो आज नया बीज डाला है कि हम अनंत एकता महसूस करें अपने क्रिएटर रोल के साथ। इसी के साथ 12वें दिन के लिए लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, लॉट्स ऑफ लव एवरीबॉडी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।